प्रभुषु मसीह के मधुर मीठे में हमारे साथी हो पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया सबको आशीष दे। सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना विश्वास के साथ। प्रार्थना को देखिए, इस प्रार्थना में आपके दिन भर समस्याओं को, दिन भर कार्यों को, दिन भर आशीषों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करने जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखो। हम बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बहुत से भाई बहन क्या करते हैं, एक दो दिन प्रार्थना को देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद उनका मन बोर हो जाता है, वो प्रभु से बुड़वाना चालू करते हैं। प्रभु मैं तो डेली प्रार्थना कर रहा हूँ, डेली बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना शेयर भी करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। मेरे प्रियो, एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन, महीने, दो महीने प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर हो सकता है ना दे, लेकिन फिर भी आपको प्रभु से प्रतिदिन आपको उससे प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु की जब इच्छा होगी, जब सही टाइम आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। क्योंकि बाइबल कहती है हर एक समय, हर एक चीजों का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। जब वो टाइम आएगा आपके जीवन में वो देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह बिना मांगे भी आपको दे देंगे। लेकिन उस विषय के लिए आपको हर रोज प्रार्थना करते रहना है। जो चीज आपको चाहिए, जिस चीज की कमी है, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, उन चीजों के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। उसके सामने रखिए और बातों को, और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में प्रकट हो, ताकि मेरा जीवन और मेरा घर, मेरा परिवार उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। तो प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, प्रार्थना के लास्ट में अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को मांगिए। प्रभु जो तेरी इच्छा है, वो तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, ताकि हमारा जीवन आशीषमय हो जाए। हालेलुया, इस वीडियो को सभी जगह भेजिए, ताकि आपके द्वारा व्यक्ति भी यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। जिन भाई बहन दान राशि संबंध भेजें, प्रभु सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस मिले। अगर आप दान राशि भेजना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल मिल जाएगा। मिल सकती है, अपनी इच्छा के अनुसार हमें दान राशि दशमांश डाल सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए और विश्वास के साथ देखिए, ताकि प्रभु आपको आशीष प्रदान कर सके। और विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य चमत्कार कर भी रहा है। विश्वास के साथ देखिए। हालेलुया 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 हबरी बाउल रबरी करबर रक्तम जयम धन्यवादेशु 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 थैंक यू जीजस ग्लोरी 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 हबरी बाउल रबरी करबर रक्तम जयम धन्यवादेशु 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 थैंक यू जीजस रक्तम जयम त्रिनाम की महिमा हो। हालेलुया 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 प्रभु जी हम धन्यवाद थे पिता, इन सारे बात तो रात में सुनाए दिया पिता परमेश्वर, नया दिन दिखाया प्रभु जी, एक नया सुबह दिया पिता परमेश्वर, हम सबको जीवित में रखा पिता परमेश्वर, इसके लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। मैं पियो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हम आज जीवित हैं परमेश्वर, हमें जीवित रखा है, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला उसकी महिमा करता है। थैंक यू जीजस हबरी बहुल रबरी करब हरे बहुल रबरी करब धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता इन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो प्रार्थना में भेजे, जो प्रार्थना को सुन रहे, वीडियो को देख रहे पिता, उन सभी के लिए हम बड़े बोझ के साथ आज की सुबह प्रार्थना करते पिता, उन सब को तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए आज के दिन पिता परमेश्वर, जहां कहीं भी कार्य करने जाते हैं, सब को तू आशीष प्रदान कर पिता, हर एक कार्य में सफलता प्रदान कर प्रभु जी, दिमाग कार्य में जाने में सहायता कर, व्यक्ति बच्चा जहां कार्य करने जाते हैं, सबको तू आशीष प्रदान कर, ऑफिस में कार्य करने में सहायता कर, घर में कार्य करने में सहायता कर, स्कूल कॉलेज में सहायता कर, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कर, हर एक बातों को इन सबको तू आशीष प्रदान कर प्रभु जी। आज के दिन पिता हर एक रुका हुआ काम यीशु नासरी के नाम में पूरी होने पाए, यही हम तुझसे प्रार्थना कर, पंगत छुपाए रख, जैसे घर को जाते शाम घर वैसे ही आने पाए, यही हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता इन सारे भाई बहनों के पिता, जो भाई बहन कर्ज से आत्माओं से दबे हुए पिता प्रार्थना में आए हैं पिता में, जो उनके पीछे कर्ज की आत्मा पड़ी हुई पिता, वो कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे, मेरे पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हो सकता है आपका पैसा आपके पास ना रुका हो, ना रुकता हो, पैसा इधर से आते हैं उधर से खर्चे हो
जाते हैं, पैसे पे आशीष नहीं है, मैं उपयोग प्रभु का दशमांश अलग निकालिए, उसके बाद पैसे को खर्चा कीजिए, प्रभु उसमें आपको आशीष प्रदान करेगा। पिता परमेश्वर इन सब के लिए हमारे बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं, जो कर्जे की आत्मा इनके पीछे पड़ी हुई पिता, हर एक कर्जे की आत्माओं को हम तेरे नाम से इनके जीवन से घर से दूर करते हैं खुदावन। जो रुका हुआ पैसा है पिता, कई महीनों कई सालों से प्रभु जी और एक दूसरे कोई बैठा है इनके मेहनत कमाए पिता, हमेश्वर नसल के नाम में उसको आ गए थे, वो पैसा इनको देने वाले हो जाए पिता, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह जो भाई बहन जॉब खोजने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे पिता, उन सब के लिए हमारे बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, और जहाँ कहीं भी जॉब के लिए जाते पिता उन सबको जॉब में दे पिता, और मेरे आशीष प्रदान कर, और जितने के लिए प्रार्थना क्रमाए उतना नहीं बल्कि उससे अधिक उनको बेस्ट दे प्रभु जी, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तूने ऐसा कर दिया इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो भाई बहन सरकार जो अप्लाई किए एग्जाम दिए, हर एक को सफलता प्रदान कर, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना कर सारे भाई बहनों के लिए पिता, जो वीडियो को शेयर करके दूसरों का जीवन बचा रहे पिता, दूसरों को आशीष दे रहे पिता, हर एक को तू आशीष प्रदान कर, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन के घर प्रकट होने पाए पिता, और भाई बहनों को तू आगे लाभ रहता कि वीडियो को शेयर करके दूसरों का जीवन बचा सके, कार्य में सफलता प्रदान कर, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन से और भी होने पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भाई बहन दान राशि दशमान भेजे पिता, हर एक को तू आशीष प्रदान कर, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए, और जितना भेजते पिता उतना ही बल्कि उससे अधिक आने वाले दिनों में उनको आशीष दे पिता, यही हम प्रार्थना कर, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते पिता प्रार्थना सुन, धन्यवाद प्रभु जी। जो कोई भाई बहन किसी कारणवश नहीं भेज पाए तो उनको आशीष प्रदान कर पिता, समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर पाए, ताकि वो भी आशीष भेज कर आशीष को प्राप्त कर सके, यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के पिता परमेश्वर, जो विदेश में रह कार्य करते हैं, विदेश में रह कार्य करते हैं, उनके परिवार के सदस्यों को जहाँ कहीं भी पिता, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते पिता, उनके घर वालों को तेरे हाथों में सौंपते, बीमारियों से बचा रहे पिता परमेश्वर, हर एक कष्टों से बचा रहे, बीमारियों से बचा रहे प्रभु जी, और उनको तू आशीष प्रदान कर पिता, यही हम प्रार्थना कर। जो भाई बहन जहाँ रह कार्य करते पिता, हर एक को तू आशीष प्रदान कर, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी, जो बीमार पड़े हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम उनको चंगाई की घोषणा करते हैं। जो समस्याओं में घिरे हुए, प्रॉब्लम से घिरे हुए पिता, उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको कुछ नहीं सूझ रहा है पिता, ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे घरानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनको समाधान मिलने पाए हर एक समस्याओं का प्रभु जी। हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से उनके जीवन के घर से निकाल फेंकते हैं पिता, हर एक समस्याओं को हम उनको आजादी की घोषणा करते हैं, तुमने समाधान दे दिया है समस्याओं का, समस्याओं का जीवन से दूर हो चुकी है, इसके लिए हम धन्यवाद है। विश्वास 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 कीजिए प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना कर आपके समस्याओं को, आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, कि बाइबल कहती है विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। प्रभु जो भाई बहन जॉब के लिए प्रार्थना करवाएं, हर एक को तू जॉब दे पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान कर, बीजा पास पर समस्या यीशु नासरी के नाम में आज के दिन खत्म होने पाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए, जो बच्चे के आशीष के प्रार्थना करवाए हैं, शादी कई साल बीत चुके पिता, बच्चे के आशीष नहीं प्राप्त हुई है, ऐसे व्यक्तियों से घरानों के लिए हमारे बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन के घर प्रकट होने पाए खुदावन। हर एक जनों को तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर, इन सबको तू आशीष प्रदान कर, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर, इन सबके लिए हमारे बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। वो जैसे आए थे वैसे ही बल्कि इस सामर्थ को महसूस करके जाने वाले हो जाए, मेरे प्रिय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, घुटनों पे आई आंसुओं के साथ गिराते हुए पापों की इच्छा परमेश्वर से मांगते हुए प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाइए, प्रभु आपको आशीष प्रदान करने जा रहा है पिता परमेश्वर, इन सबको तू आशीष प्रदान कर, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन के घर प्रकट होने पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। सबको तू आशीष प्रदान के ही साल, इसके धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर दारू की आत्मा में, नशे की आत्मा में जूझे हुए पिता, उन सभी के लिए हमारे बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, हर दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा इनके जीवन के घर से निकल जाए पिता, तूने ऐसा कर दिया इसके धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते सारे भाई बहनों पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी चिंताओं में बोझ से दबे हुए हैं पिता, हर एक चिंताओं को, हर एक बोझों को इनके जीवन के घर से हम तेरे नाम से दूर करने की आज्ञा देते हैं, तूने ऐसा कर दिया है, इसके लिए हम सारा आदरमय प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते, धन्यवाद बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए, जो पिता परमेश्वर बीमार पड़े हैं कई महीनों कई सालों से पिता परमेश्वर, हर एक के लिए हमारे बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, बीमारियां चाहे कितनी बड़ी क्यों ना प्रभु जी, और तुझसे बड़ी नहीं हो सकती खुदावन, हर एक को तू आशीष प्रदान कर पिता, इनके घर से इनके जीवन से बीमारियों को दूर कर प्रभु जी। प्रातः जिस घर में चर उस घर के चरों बांधते हैं, जनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बीमारियों को हम तेरे नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं, मेरे पे प्रभु के आइए, प्रभु के सामने बैठिए, प्रार्थनाएं बैठिए, अपने पापों की इच्छा परमेश्वर से मांगते हुए अपने गुनाहों को उससे कबूल कीजिए, और कहिए प्रभु
अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्रभु में उस लहू में सामर्थ है जो आपको हर बीमारियों को, हर एक कष्टों को, हर एक समस्याओं को आपको समाधान दे सकता है। पिता परमेश्वर इन सब बीमारियों को चंगाई प्रदान कर। पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए। ये जहाँ कहीं बैठे घर में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके शरीर पर प्रभावित हो जाए। इनके हाथों, इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नए सामर्थ्य को दे खुदावन। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए, यही हम प्रार्थना करते पिता। इन सबको चंगाई प्रदान किया इसके धन्यवाद। सरादर में प्रशंसा करते हुए धन्यवाद बलिदान तेरे चरणों चढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर बहुत से भाई बहन आज की सुबह पिता परमेश्वर डॉक्टर दिखाए जाएंगे बीमारियों को। डॉक्टर दिखाए जाने से पहले बीमारियों के शरीर से निकल जाए पिता परमेश्वर, यही हम प्रार्थना करते हैं। रिपोर्ट तेरे नाम से नरमाने पाए। सारा आदर में प्रशंसा हम चुका पित का धन्यवाद बलिदान तेरे चरण में प्रार्थना सुन। धन्यवाद प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम यीशु नासरी का नाम मांगते सुन, दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। मैं भी विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए। प्रार्थना आपके और आपके परिवार, आपके घर के लिए हो रही है। विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करने जा रहे हैं इस प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। इस वीडियो को सभी जगह भेजिए ताकि आपके द्वारा और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता से उपकार करने वाले हो जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।